द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश के संभल में मतदान के वक्त किस तरीके की धांधली की जा रही थी और किस तरीके से मुस्लिमों को पीटा जा रहा था, इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस और इमरान प्रतापगढ़ी ने कई वीडियो साझा किए कि एक प्रत्याशी के साथ चल रहे लोगों के साथ, चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है पुलिस वालों द्वारा, वो तस्वीर भी साझा की है। और ये अपने आप में सवाल खड़ा हो जाता है कि कहां है चुनाव आयोग, जो बड़ी बड़ी बातें करता है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, लेकिन यहां पर विपक्ष के प्रत्याशियों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, उनके वोटर्स के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, क्या इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, क्या इन चीजों को भी देखा जा रहा है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी जो इस तरीके कृत्य करते हुए नजर आएंगे। अपने आप में बड़ा सवाल है और ये इसके कई वीडियो सामने आए हैं जो वीडियो साझा किए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने बकायदे लिखा भी है वीडियो साझा करते हुए, वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप देखिए यूपी कांग्रेस ने लिखा क्या है। लिखा है कि संभल लोकसभा में प्रशासन खुलेआम सत्ता के संरक्षण में चुनाव प्रभावित कर रहा है। असमोली विधानसभा के ग्राम ओवरी में पुलिस बल द्वारा मतदाताओं के साथ अभद्रता और मारपीट की जा रही है, उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्ख और गठबंधन दल के घटक दलों के और कार्यकर्ता नेता और कार्यकर्ताओं के साथ जब वो लोग पहुंचते हैं, इसका विरोध करते हैं, तो प्रशासन द्वारा उनके साथ बल प्रयोग किया गया। बीजेपी लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर चुनाव जीतना चाहती है। इलेक्शन कमीशन, क्या ये आपकी सहमति से हो रहा है? ये सवाल उत्तर प्रदेश कांग्रेस की ओर से पूछा गया है। दूसरा, अगर नहीं तो तत्काल घटना का संज्ञान लें और उचित कार्यवाही करें, यानी तत्काल इस घटना को संज्ञान में लिया जाना चाहिए और इस पर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए, ये बात भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के द्वारा कही। कुछ तस्वीरें हैं, हम पूर्णतः आपको नहीं दिखा सकते, हमें ब्लर करना पड़ेगा। देखिए महिला बैठी हुई है, इन महिला के साथ भी मारपीट की गई है, आप देख सकते हैं इनके पैर में चोटें भी आई हैं, जो हम आपको गाइडलाइंस के अनुसार पूरी तरीके से नहीं दिखा सकते। दूसरी तस्वीर आप देखिए, इसमें किस तरीके से पोलिंग स्टेशन के पास एक बुजुर्ग के साथ भी मारपीट की गई है, वहाँ भी तस्वीरें पूर्ण रूप से नहीं दिखा सकते, ब्लर करके दिखानी पड़ेगी। लेकिन अगर इस तरीके का व्यवहार हो, इसमें लोग बोल भी रहे हैं, जरा आप वीडियो को एम्बियंस में सुनिए, तो एम्बियंस में बताएंगे भी किस तरीके से मारपीट की। सुनिए, ये देखिए कितनी बुरी तरीके से मारा है, पोलिंग स्टेशन के आगे मारा है बिल्कुल पुलिस ने। देखिए किस तरीके की गुंडागर्दी चल रही है, वोट तक नहीं डाले जा रहे हैं, औरतों को भी मारा जा रहा है बेरहमी के साथ। सुन लिया आपने, जो व्यक्ति वहां वीडियो बना रहा था वो बाकायदे ये कह रहा है कि पोलिंग स्टेशन के बाहर मारा जा रहा है, औरतों को भी मारा जा रहा है, बुजुर्गों को भी मारा जा रहा है, उन्हें उनके अंदर दहशत पैदा की जा रही है ताकि वो वोट ना डाल सके। और उसके बाद एक वीडियो जो आया जब वहां पर लोग प्रत्याशी भी पहुँचते हैं, जियाउर रहमान बर्क पहुँचते हैं और गठबंधन दल के अनेक नेता पहुँचते हैं कि यहाँ पर गलत हो रहा है, पुलिस मारपीट कर रही है, तो उनके साथ किस तरीके का व्यवहार होता है, जरा आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप देखिए किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। देखिए कैसे जो है पुलिस खींचतान कर रही है, किस तरीके का व्यवहार कर रही है एक प्रत्याशी के साथ, और उसमें से एक चुने हुए शायद विधायक भी हैं, उनके साथ भी इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। देखिए कैसे घसीटा जा रहा है कि चलो तुमको हम गाड़ी में बैठा लेंगे। देखिए किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, देखिए कैसे घसीटते हुए उन्हें गाड़ी में बिठाने के लिए पुलिस ले जा रही, वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरीके से सत्ता पक्ष के लिए काम कर रही है, ये आरोप लगाए गए। और ये वीडियो देखकर तो अंदाजा लगाया सकता है, प्रत्याशी के इंटरफेयर करने के बाद भी देखिए किस तरीके से पुलिस वाले बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं कि इनको अंदर डालो। आप समझिए कि लोकतंत्र कहाँ बचा है। इस वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, और वहाँ पर जो है एडिशनल साहब भी हैं, वो भी ये सब होते हुए देख रहे हैं और वो भी इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। उनके व्यवहार पर भी, उनके क्रियाकलाप पर भी संशय बन रहा है किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है एक प्रत्याशी, एक जनप्रतिनिधि के साथ किस तरीके का व्यवहार। आप देखिए धक्के मार कर, देखिए कैसे धक्के मार कर ले जाया जा रहा है, ये वीडियो आप देख रहे हैं, पूरा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और कैसे धक्के मार कर उनको मतलब गाड़ी में भरने की कोशिश है। और ये कहा जा रहा है कि प्रत्याशी के साथ आप लोग नहीं चल सकते। अब एम्बियंस के साथ जो देखिए एडिशनल साहब के साथ बहस हो रही, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, सुनिए जरा। रह सकते हैं,
अभी इतना पुतवार हूँ जी, अभी बता रहा हूँ अभी। अच्छा आपने मिले है, आप ये बताइए इनके खिलाफ तो आप तारीफ कर रहे हैं ना, वो झंडे लगा के मिले हैं, वो वहाँ का खेल है, उन्हीं का कार्रवाई है। अब देखिए अडिस्टल साहब कह रहे हैं कि चार लोगों को लेके नहीं चल सकते, जबकि ये पहले ही प्रत्याशी को बताया गया था कि आपके साथ आपका ड्राइवर और आप और दो लोगों को और लेकर चल सकते हैं, यानी टोटल एक गाड़ी पे चार लोग हो सकते हैं ड्राइवर को मिलाकर। लेकिन फिर भी अडिस्टल साहब मानने को तैयार नहीं थे। बहस होती है, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, उसके बाद प्रत्याशी जो है खुद जो है फ़ोन मिलाते हैं, बातचीत करते हैं, वो DM से बातचीत करते हैं कि ये बताइए जो नियम आपने बताया था वो है कि नहीं। आप देखिए मीडिया से भी, मीडिया को भी बताते हुए नजर आते हैं। देख लो भाई मीडिया के लोगों, यहाँ पे पूरी तरह से धांधली हो रही है, और ये चौधरी शरारत है, ये सुशील कुमार और ये सब जो है ये यहाँ पर धांधली कर रहे हैं, वोटों को रोक रहे हैं, वोटों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और ये इलेक्शन कमीशन से हमारी गुजारिश है कि इनके खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाए। हमारे लोगों का बस्ता घरों के अंदर से छीन करके ले गए और लोगों को मार पीट करके धमकी दी है कि अगर यहाँ से अगर दोबारा बैठे तो इतने मुकदमे ठोकूंगा कि जिंदगी भर जेल से नहीं निकल पाऊंगा। तो आप समझ रहे हैं किस तरीके से शिकायत की जा रही है जियाउर रहमान की तरफ से, बर्क की तरफ से, जो कि प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के संभल के, और उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही होती हुई नहीं दिखाई दी। अडिशनल साहब भी मानने को तैयार नहीं होते हैं और कहते हैं ठीक है मैं बात कर लूँगा। लेकिन आप समझिए इस तरीके से व्यवहार अगर किया जाएगा तो फिर सवाल तो पूछे जाएंगे कि आखिरकार चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर ये क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, किस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। इमरान प्रताप गढ़ी ने भी इस वीडियो को जिसमें जियाउर रहमान के साथ व्यवहार किया गया उसको लेकर उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा है कि संभल से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो कि मौजूदा विधायक भी हैं उनके साथ UP पुलिस का रवैया देखिए। सोचिए किस तरह पुलिसिया का जोर पर लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन आप जग गए हों तो कृपया थोड़ा सा भरम बचा रहने दीजिए निष्पक्षता का, मतलब थोड़ा जो जनता के अंदर ये भ्रम है कि हाँ निष्पक्ष इस बार का इलेक्शन हो रहा है वो भ्रम बचा रहना चाहिए। अगर आप थोड़ी सी तत्परता दिखाएंगे, थोड़ी सी चीज़ें दिखाएंगे तो हो सकता है कि चीज़ें रुक जाएं। और उस पर लोगों का रिएक्शन भी देखिए, संभल पुलिस की तरफ से उस पर जवाब भी आ जाता है कि प्रत्याशी के साथ एजेंट के अतिरिक्त भी नियम विरुद्ध अन्य लोग बूथ में घुसने का प्रयास कर रहे थे जिनको पुलिस द्वारा सख्ती से हटाया गया, किसी के साथ अभद्रता नहीं की गई है। जबकि वीडियो में साफ देखा सकता है किस तरीके से अभद्रता की जा रही थी और किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर लिखा जा रहा है कि नहीं नहीं कोई व्यवहार ही नहीं किया जा रहा है, कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं की जा रही थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से मतदान को रोकने का भी वहाँ पर आरोप लगाया गया। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, नजीर ने वो वीडियो साझा किया है कि संभल लोकसभा के असमौली विधानसभा अंतर्गत ओवरी गाँव का है जहाँ पुलिस पर लाठीचार्ज करके मतदाताओं को मतदान से रोकने का आरोप लगाया जा रहा है, चुनाव आयोग कहाँ है। तो अगर इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी तो फिर जनता तो सवाल पूछेगी ना कि आखिरकार निष्पक्ष चुनाव कहाँ हो रहा है, क्या यही इसी तरीके से चुनाव होगा। वोटर्स को मारना, वोटर्स को धमकाना, एक तरफ सरकार कहती है, सब लोग कहते हैं कि भैया वोटिंग अधिक अधिक होनी चाहिए, पहले मतदान फिर जलपान, इस तरीके से अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन यहाँ अभियान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, यहाँ लाठी चलाई जा रही है। अगर आप मतदान देने के लिए जाएंगे तो आपको लठ मार दिया जाए क्योंकि आप प्रत्याशी BJP प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से चुनाव होगा तो वे सवाल तो पूछे जाएंगे। द लाइव TV को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव TV, सच सबसे आगे।